गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। आज तरह आप सभी को पता ही होगा, देखिए आज क्या क्या खास होने वाला है व्लॉग में, वो तो आपको देखने भी पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। मिस्सी पाउडर सब में चाय आप भी ज्वाइन कीजिए, खाने मिल जाएगा मुझे को मेरे व्लॉग में। रेडी है तो दिखाते हैं आज भी क्या खास है, आप देख के होश उड़ जाएंगे आपके कि वो क्या खास चीज़ है। आज है राइस और साथ में चने की दाल में घी, ये है होश उड़ाने वाले सामान। तो आवेदन कीजिए, कहीं मिलने कहीं भी जाएगा मेरे ब्लॉग में। मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ, ये है कि मेरा एक फेवरेट जो है हैंकी, उसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। जब भी मैं रहती हूँ हमेशा, वैसे जब जैसे होते ना एक फेवरेट कपड़े जो होते हैं, ऐसे मेरा फेवरेट हैंकी भी है ये बना। जब मैं मेरा मन करता है मैं इसे ले लेती हूँ कभी कभार। तो मेरे इतना दिल की करी हुई है कि ऐसे कोई भी चीज़ को अपने से वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि बस लगा के देखना चाहिए, क्योंकि तो जो शरीर होता है मिट्टी का होता है, एक दिन जो दाने ही जा रहे हैं। लेकिन हम ना चीज़ों से प्यार कर ही लेते हैं। वो माया है, इसको देखो लेक्चर देने के लिए आ जाती है, सत्संग कर रही है जैसे। भगवान की बात अलग होती है, भगवान कहते हैं कि कभी किसी चीज़ से इतनी वो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे याद रखो, और साथ में अगर ये चीज़ें हैं ये सब साथ में तो जाएंगी नहीं, ये हमेशा याद रखो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से यही बात ही है कि ये बात को भी अमल करें जो मैं कहने जा रही हूँ। और याद गाइस, मुझे बहुत याद आ रही थी, आपको याद है कल मार्केट में गई थी मैं, जब तो मुझे मेरी टॉप पसंद ही नहीं आ रही थी। तो मैं सोच रही थी सारी तो वैसे डाक कर रहे थे, पैसे बहुत कम थे। मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी लूँ, समझ ही नहीं आ रही थी। जब भी बहुत सारी होती है ना तो मार्केट में बहुत सारी होंगी, घर में तो बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी समझ नहीं आता। घर पड़ी थी वो भी समझ नहीं आती कि कौन सी पहनूँ कौन सा ना पहनूँ, क्योंकि रोज़ एक जैसे कपड़े ना मुझे अच्छे नहीं लगते, अलग अलग पहने चाहिए, अलग अलग कलर के तो ज़्यादा सही लगता है, और पैसे वगैरह तो ज़्यादा ही मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर भी मैं वह सोच रही थी कि मैं जब भी लूँगी तो आपसे ब्यूटी फैमिली से जरूर शेयर करूँगी ये बात को। मैंने कहा ये बता दूँ, जिन्होंने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो जाइए और ब्लॉग का वाला देखिए, उसमें आपको ये वाली बात जो मैं कह रही हूँ उसकी आगे की बात नहीं है, जरूर देखिएगा। गुरुद्वारा साहब जाना चाहें तो आप जा नहीं पाएंगे, जबकि बारिश हो रही है, और बारिश में वैसे भी आपको पता है ना कितने जगह जगह गड्ढे गड्ढे में पानी, ये वो जरा सी बारिश होती है तो इतने अरे काका तक लोग तो बह रहे हैं पानी में, इतना पानी भर गया कई जगह तो। लोग रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, हाँ उसी पानी का फायदा भी उठा रहे हैं वो। एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? हमें तो बड़े छोटे होते कहते नहीं नहीं फोड़े हो जाते हैं पानी में, चुप नहीं करना चाहिए लोग आजकल, तो चल ही जान दो फोड़े हो गए तो क्या होगा, लेकिन रस्सी होता है। तो बस तो यही कहने वाली थी कि हाँ हम नहीं जा पाएंगे, तो मुझे तो बड़े साइड साइड लग रहे हैं, अभी इवेंट कैसा लग रहा है को, बारिश नहीं ये क्यों खुश हो रही है, कुत्ते अब आ गए ना हमारी गली में तो अभी डर गई है, अब नीचे उतरेगी तो कुत्ता इसके पैर पकड़ लेगा, फिर इसको मेरा सारा लेना पड़ेगा ना, इसलिए हाँ मैं कुत्ते को संभाल लेती हूँ। हाँ तो बस इसका तो चलता रहेगा, और संभाल गाइस हम
आ चुके हैं तो गुरुद्वारे साहब से मेरी बहन ना फिर से डर गई है डॉगीज से, तो वो डर के वरना आगे चली गई है। डॉगी के ना बहुत वो है, मैंने आपको कहा था ना डॉगी से भी डरेगी है, और आपसे बात नहीं मिलती तो करने की जाने तो पड़ते हैं। नेक्स्ट वो भी फिर आपसे मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, तब तक कि आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए, खास बिल्कुल नहीं देख रहे प्लीज़ ब्लॉग्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए, रील्स देखिए, इंस्टाग्राम मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, इंद्रदीप कौर का सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको जो कुछ पूछना कमेंट उसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्लीज़ गाइस। बाबा जी की ब्लेसिंग, आपका सपोर्ट हमें आगे देखने की जगह प्लीज़ देखिए प्लीज़।